नमस्कार दोस्तों, शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संजय कुमार स्वामी और बिलाड़ा ये राजस्थान राज्य के जोधपुर ज़िले की एक तहसील है जो प्रसिद्ध है। यहाँ पर आई माता का मंदिर है। मैं अपने दोस्त के घर पे रुका यहाँ पर। और मेरे साथ में अभी है ऊर्जा राम भाकरानी जी। आपका ये खेत है? हाँ, ये मेरा ही खेत है। यहाँ पर खेतों में क्या होता है? खेतों में यहाँ सब्जी, कपास और मूंग वगैरह होता है, गवार वगैरह। और ये खास तौर से सब्जी जो एडवांस में जो खेती होती है ना, ये सबसे अच्छी होती है। मैं एक बीघे में 30,000 की पैदावार लेते हैं हम यहाँ से। अंदर अंदर से मीठा है, अंदर से मीठा। ये खाओ ना, अगर ये साथ में ले लिया तो मीठा नहीं, मीठा थोड़ी होगा ये, ऐसा नहीं होता। अभी खट्टा मीठा हो गया था मैंने जो साथ में ले लिया। गुठली चूस के फिर थूक दो वापस। ये नीम की निमोली है? हाँ, नीम की निमोली है। आप क्या बोलते हैं इनको? नीम ही बोलते हैं, गुट्टे बोलते हैं ना। गुट्टे? हाँ, गुट्टे। ये पीले होते हैं तभी मीठे होते हैं? हाँ, तभी मीठे होते। बाकी कच्चे वाले तो बहुत खा रहे हैं, खा नहीं सकते। आपका नाम? लादूराम। लादूराम पुजारी? हाँ, हो यहाँ पर? हाँ, पुजारी हूँ। तो ये स्थान? जीजी माता मंदिर। जीजी माता मंदिर? जीजी माता का मंदिर। जीजी माता कैसे? आई माता जी का नहीं है? नहीं, आई माता वो के वो है, आई माता। पर वहाँ अब मैं अम्बापुर से रवाना हुई ना, गुजरात से। जब यो फिरते फिरते यहाँ पहुँचे ना, जब माला की टाइम हो गई, आराधना की टाइम हो गई। अच्छा। तो माला फिरे कहाँ, पानी पानी था, बारिश हुई जोरदार। उस समय माता जी मोजरी झटकने से पाल बनी, जुत्ती झटकने से। अच्छा। फिर बाद में पाल कौन सी? पाल कौन सी? पाल यही है, पाल ये जिसके ऊपर हम खड़े हैं। हाँ, खड़े हैं। अच्छा, ये वही पाल है। फिर बाद में माता जी यहाँ आके विश्राम किया और माला में बैठ गई। तो बादलोरी ओट में हुड निकलता ना, वो कितना तेज निकलता है। हाँ। वो तब सहन नहीं हुआ। अच्छा। तो माता जी ने एक लकड़ी रोपी जिनसे बना ये खेजड़ा। अच्छा, ये खेजड़ा बना? ये खेजड़ा बना। फिर बाद में माता जी माला फेर के वहाँ भी लड़ा रवन हुए तो बुढ़े का शरीर कर दिया। अच्छा, बुढ़िया का? बुढ़िया का। हाँ। कितनी पुरानी बात है ये? तो 1521 भादो शुद्ध बीज ने। अच्छा, यहाँ आई, यहाँ आए थे। हाँ, सन 1521 और बिलड़ा आई जने आई माता के वाड़िया। हाँ, ये दीवान सा की जोड़ है ना। दीवान सा मतलब? जो मतलब हमारे जो रोहिता जी दीवान हुए थे ना पहले, माधो सिंह जी से पहले, जो उन्होंने यहाँ आके तपस्या की थी। मतलब दीवान कहते किसको, पुजारी या फिर? नहीं नहीं, दीवान हमारे क्या है, जो सीरी समाज है, जो माता जी के जो खास जो सेवक थे ना। अच्छा। उसका नाम दीवान से है मतलब। तो उनकी पीढ़ियाँ चलती है? हाँ, उनकी पीढ़ियाँ चलती है, पीढ़ी दर पीढ़ी। बड़ा बड़ा बच्चा है ना वो। हाँ। दीवान बनता है, धर्मगुरु। अभी दीवान है और कोई? अभी दीवान है माधो सिंह जी। कहाँ पर? मुख्य मंदिर, बिलड़ा मुख्य मंदिर में। अच्छा। इनका चार्ज चल सकता है। अब तोड़े हैं, एक किलो मान लो किसी ने तोड़ लिया। हाँ, तो अचार डाल लेगा? हाँ, अचार डाल लेगा। ये इस तरह का लाल होगा तभी मीठे होंगे? तभी मीठे होंगे मतलब। अच्छा। खूब अच्छे लगते हैं ये। एक साइड से मीठा नहीं है, साइड से अभी कच्चा है मतलब। मुझे केयर का अचार बहुत अच्छा लगता है। आपका नाम? मेरा नाम गौतम है, मैं पुजारी हूँ रोहित दास जी का। अच्छा, ये रोहित दास जी कौन है? हमारे धर्म गुरु दीवान है। अच्छा, तो इनका ये कौन सा स्थान है, क्या किया था यहाँ पर? यहाँ पर इन्होंने मतलब जैसे तपस्या की थी माता जी की, और माता जी ने साक्षात यहाँ दर्शन दिए थे। अच्छा। रोहित दास जी को। और जोधपुर दरबार ऐसे लोग बोले थे कि भाई ये तो कोई ढोंगी है और यहाँ आके ढोंग कर रहा है। अच्छा। तो राजा को बोला कोई? राजा को, जोधपुर के राजा को। हाँ, जब दरबार ने सिपाही को भिजाया कि भाई इनको ला के जेल में डालो पकड़ के, तो लाने के लिए आए तो हथकड़ी लेके आए, तो पहले मतलब हाथ इनके एकदम पतले हो गए तीन के जैसे। अच्छा। तो हथकड़ी आई नहीं। अच्छा। तो क्या भाई दूसरी लेके आता छोटी, और छोटी हथकड़ी जब लेके आए और डालने लगे तो हाथ हो गए मतलब बड़े बड़े हाथी के जैसे। अच्छा। तो आई नहीं, फिर उनको गिरफ्तार नहीं किया और साथ में ले गए जोधपुर। ले गए जोधपुर ले गए और जेल में डाला। जेल में डाला जब यहाँ आदमी बहुत मतलब ऐसे आत्महत्या करने लगे, 100-150। और फिर जेल में डाला, तो जेल में डाला और सुबह में जाके देखे तो मतलब पूरे दरवाजे खुले पड़े थे अपने आप। अपने आप ही वो जेल में नहीं थे? जेल में अंदर ही बैठे थे, लेकिन ताले सब अपने आप ही खुले हुए पड़े थे। अच्छा। तो कि भाई आपका ये क्या चमत्कार है? तो कि भाई मेरा क्या चमत्कार है, ये तो माता जी की मेहरबानी है, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया है।
साथ ही यहाँ पर ढाणी सतलाना लूणी के पास में है, जोधपुर के पास में ही है ये भी। यहाँ पर रोहित दास जी का बचपन बीता था, तो यहाँ पर ये एक ढाणी बनाई गई है कुछ इस तरह से, पुराने ज़माने में लोग जो रहते थे इसी तरह से। रोहित दास जी का बचपन सोनी बाई के संरक्षण में बीता था। बाद में लाएगा, अभी उनको खाना परोसते हैं। खाना परोसते टाइम में एक बिल्ली को काट के परोसा था उनके भोजन, बिल्ली काट के। अच्छा। और जैसे ही रोहित दास जी को बिठाया और खाने के लिए बैठे, उस टाइम में उन्होंने सिर्फ हाथ लगाया था, बिल्ली के पूरा भोजन के, और बिल्ली वो वहाँ से खड़ी होकर भाग गई। और भागते टाइम में बिल्ली के तीन ही पैर थे। तो फिर दरबार ने पूछा कि भाई आपने बिल्ली तो बनाई लेकिन इसके तीन ही पैर क्यों है, चौथा पैर कहाँ गया? तो कह भाई ये तो जो मेरे को काट के पुरुषा उनको पूछो कि एक पैर कहाँ है, काटने वाले खा गए होंगे, काटने वाले। जब उन्होंने बोले कि भाई हम ही खा गए थे, एक पैर हमने रख लिया, जब जोधपुर दरबार ने हार मान ली। और जैसे एक ये नीम है इनकी तपस्या का, उसमें एक नीम पूरा एक ही है, एक साइड में मतलब आधा कड़वा है और आधा कड़वा नहीं है। ये उनका चमत्कार है, आज दिन भी फुल कड़वा है, बस आज दिन तक भी वैसे ही है। तपस्या की थी, हाँ, नीम के पेड़ में तपस्या की थी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, जय माता जी। दोस्तों उसके बाद में हम बिलाड़ा आ गए। बिलाड़ा में यहाँ पर आई माता जी का मंदिर बना हुआ है, बढ़ेर महल है, और यहाँ पर हजारों लोग रोज़ दर्शन करने के लिए आते हैं माता जी के। यहीं पर माता जी से जुड़ा हुआ बहुत सारा इतिहास भी है और गैलरी भी बनी हुई है, वो भी आप देखेंगे। दोस्तों जितने भी मंदिर अभी तक हमने देखे हैं, अधिकतर मंदिरों में यही देखा है कि फ़ोटो लेना मना ही है, लेकिन यहाँ फ़ोटो लेने की कोई पाबंदी नहीं है, इस तरह का बोर्ड देखा। और पता नहीं क्यों मंदिरों के अंदर फ़ोटो लेना मना ही है कि बोर्ड लगाए हुए होते हैं, जबकि ये तो अच्छी बात है। और यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा माता जी के बारे में इतिहास लिखा हुआ है। और गुजरात के अंबापुर से एक गरीब निसंतान दंपति थे, बिक्का डाबी जी, उनके द्वारा माता जगदम्बा की पूजा अर्चना करने पर माता ने उनके यहाँ पर जन्म लिया था। दोस्तों आई माता जी का पहले नाम जीजी बाई था। चमत्कारिक और अद्भुत जीजी बाई ने उनसे शादी की इच्छा रखने वाले बादशाह को सबक सिखाया, फिर एक वृद्धा का रूप धारण करने के बाद भारत भ्रमण के लिए निकल पड़े, और चलते चलते वे नारलाई पधारे जो पाली के पास में है, और उसका वीडियो आप पहले ही शुभ जर्नी के वीडियोस के अंदर देख चुके हैं। दोस्तों नारलाई के बाद में डायलाना गांव, बेसाणा, बगड़ी, सोजत सभी जगह घूमते और चमत्कार करते हुए आगे चलते रहे। माताजी ने महाराणा कुंभा के बेटे रायमल को महाराणा बनने का आशीर्वाद दिया, और उसके बाद माताजी बिलाड़ा पधारे। बिलाड़ा आने पर सभी आई माता कहकर पुकारने लगे, और यहीं पर आई माताजी ने 11 नियम आई पंथ के बनाए और बैलगाड़ी से गांव-गांव प्रचार करने के लिए पधारते थे। दोस्तों यहाँ पर मंदिर के अंदर मंदिर के दर्शन के अलावा माताजी के इतिहास के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको आप देख सकते हैं। और ये एक भूलभुलैया है जिसके अंदर से निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, पूरी तरह से चारों ओर कांच लगे हुए हैं। और महल के अगर दूसरे हिस्से में आप जाएंगे तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से चला करके थोड़ा इंटरेस्टिंग बना करके पुरानी चीज़ें दिखाते हैं, कैसे यहाँ पर दूध बिलोते चरखा कातते थे, और ये रोहित दास जी को झूला झुलाते हुए, ये पूरा का पूरा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से आपको देख कर भी अच्छा लगेगा। दोस्तों अंत में माताजी ने गोविंद दास जी को गद्दी पर बैठाकर दीवान घोषित कर दिया, और स्वयं ने भक्तों से कहा कि वो 7 दिन तक अंदर माला फेरेगी और उसके बाद में आपको वहाँ नहीं मिलेगी। लेकिन भक्तों ने 5 दिन के बाद में ही दरवाज़ा खोल दिया और अंदर देखा कि माताजी वहाँ पर नहीं मिले। ये माताजी की जो आप देख रहे हैं ज्योति है, जो हमेशा इसी तरह से जलती रहती है, और चमत्कारिक रूप से यहाँ पर केसर निकलता है। दोस्तों उसके बाद में हम बिलाड़ा शहर से बाहर निकले। यहाँ पर एक विशाल कल्प वृक्ष है, कहते हैं कि यह असुर राजा बलि द्वारा स्वर्ग से लाया गया था, और ये विशाल वृक्ष तभी से आज तक सदियाँ बीत चुकी है वैसा ही है। और यहाँ पर कई सारे और भी आई माता और
दीवान जी से जुड़े हुए मंदिर हमने देखे। ये सभी मंदिर करीब बिलाड़ा से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहीं पर एक और मंदिर है, हर्ष देवल मंदिर, जो एक अति प्राचीन मंदिर है जो खंडर और जर्जर हो चुका है। कहा जाता है कि ये बगड़ावतों के समय का मंदिर है, जिसके अंदर अभी जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये पत्थर एक दूसरे के ऊपर जोड़ करके कुछ इस तरह से बनाया हुआ है कि यहाँ किसी भी तरह का चूना पत्थर सीमेंट पानी कुछ भी यूज़ नहीं लिया हुआ है, सिर्फ पत्थरों को खड़ा करके मंदिर बनाया है। दोस्तों, आपने और हम सब को ये तो पता ही है कि हिंदुओं के अंदर जो जलाने की परंपरा है, कोई भी व्यक्ति जब मरने के बाद में जलाते हैं। नहीं, जलाते नहीं, जलाते नहीं है, हमारे यहाँ दफनाया जाता है। अच्छा, दफनाया जाता है, ऐसा क्यों? हमारे आई माता का जो नियम है ना, वो जो आई माता के भक्त होते हैं उसमें दफनाने का नियम है। अच्छा, जलाने के बाद पुष्कर नहीं ले जाने पर जो खर्चा होता है ना, जो उस खर्चे को बचाने के लिए माता जी ने ये नियम रखा है हमारे लिए। अच्छा, उस टाइम में, उस टाइम में जो भारी पड़ता था, मतलब 500 साल पहले गाड़ियां, ट्रेन, हाँ, पुष्कर वगैरह, हरिद्वार वगैरह जाने का खर्चा जो होता है ना, वो भारी पड़ता था सूर्य समाज के लिए। तो अब उसके लिए बाण गंगा, तो यानी गंगा कैसे नाम इस जगह, गंगा ये गंगा नदी है ना, इस जगह का नाम क्या है? बाण गंगा। बाण गंगा, हाँ। फिर आप फिर इसमें नहा लेते हो? हाँ, इसमें नहा लेते हैं। अच्छा, बस। और सुखी हो तो कुंड भी है, सुखी हो तो कुंड बना हुआ है, यहीं पे कर लेते हैं। हरिद्वार नहीं जाते? हरिद्वार नहीं जाने का, हमारे कहीं नहीं जाने का बस। तो आने वाले टाइम में फिर उस बेरे तक भी पहुंच जाएगी ये जगह? तो बहुत सारी, नहीं नहीं, बेरे पर नहीं पहुंचेगी। हमारे क्या, वापस जो दफनाने का नियम है ना, वो 2 साल बाद वापस रिपीट हो जाता है। 2 साल बाद रिपीट? हाँ, 2 साल बाद ही रिपीट हो जाता है। ऐसे कैसे, मैं समझाने, जैसे अपन अभी खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, हाँ, यहाँ पे 2 साल पहले हमारे जैसे दादाजी ने यहाँ दफनाया था। अच्छा। तो उसके बाद 2 साल बाद अगर किसी की मौत हो जाए, उसके ऊपर और दफना दिया जाता है, और दोबारा दफना दिया जाता है। जैसे ये चार पट्टी है, इनको आप क्या बोलते हैं, चार घर बोलते हैं ये, चार, एक दो तीन और चार, चार लोगों का है, चार लोगों का घर है। तो चार के बाद जब पांचवें की डेथ होती है, वापस एक नंबर में नंबर आ जाएगा, वापस एक नंबर में, और ये क्रम चलता ही रहता, चलता रहता है, बस हमारी पीढ़ी दर चलता रहता है। ये मंदिर कितना पुराना है? राजा बलि के टाइम का। राजा बलि के टाइम का, राजा बलि ने 99 यज्ञ किए थे, यदि 100 यज्ञ पूरे जाते तो इंद्र का इंद्रशन छीन लेता। दोस्तों, उसके बाद में यहाँ से 4-5 किलोमीटर बिलाड़ा से पिचियाक गांव है, और यहाँ पर राजा बलि का मंदिर भी है। आपका नाम? मोंगीलाल। मोंगीलाल, तो ये स्थान राजा बलि का, राजा बलि का। अच्छा। अति सपाण अपने सिर पर रखा था, जो ये स्थान है। अच्छा, जो सिर पर रखा था वो ये स्थान है? हाँ, वो सिर पर रखा। अच्छा, ये स्थान है। ये जगह, मतलब गांव कौन सा है? ये गांव पिचियाक है, जो पहले पंचक नगरी था, अब पिचियाक है। हाँ, वो बिलाड़ा के पास में, ये बिलाड़ा नजदीक है। हाँ, बिलाड़ा से नजदीक है। अच्छा, बिलाड़ा किसके नाम से पड़ा? बिलाड़ा बिलोचंद राजा के नाम से, बिलोचंद राजा था, उसके नाम से बिलाड़ा पड़ गया। बिलोचंद राजा कौन थे? बिलोचंद राजा, राजा बलि, बलि के पिता। अच्छा, राजा बलि के पिता थे। दोस्तों, सिया का मन बच्चों के साथ में खेलने में लग गया और बहुत ही अच्छा लगा इसे। उसके बाद में हम एक दिन पूरे बिलाड़ा घूमने के बाद दूसरे दिन यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पास में एक और, आपका नाम क्या है? तुलसाराम। अच्छा, ये मंदिर कौन सी माता का है? नेगड़ी माता का मंदिर। अच्छा, और ये गुफा इतनी बड़ी, अंदर से डरावनी लग रही है, कहाँ जा रही है? है? ये तो आई है पुण्यागर भाकरी से आई है, और बिलाड़ा गई। अच्छा। और बिलाड़ा से रवाना होगी। हाँ। और खेजड़ला निकल गई। खेजड़ला? हाँ। तो हमें खेजड़ला जाना है, चले जाएं क्या आज? हो, गाड़ी जाएगी अंदर? हाँ, जाओ मान गुफा के अंदर। दोस्तों, गुफा बहुत ही नीचे गहरी होती जा रही थी, और हम नीचे गए, यहाँ पर खूब सारे चमगादड़ ही चमगादड़ नज़र आ रहे थे। एक चमगादड़ मेरी तरफ आंखें निकाल रहा था, फिर भी मैंने उसकी फ़ोटो खींच ली और एकदम बारीकी से उसको देखा। देखिए, भाकर फोड़ भवानी आई, ये गीत है कि कोई? हाँ, गीत है, लुगाएं गावेगा। दोस्तों, ये मंदिर दिखाने के लिए हमें ये लेके आए थे कुलदीप, जो कि हमारे काफी प्राचीन दोस्त है। ये भी जोधपुर में हम साथ में पढ़े थे, और बिलाड़ा में जाम रुके थे, वो राकेश, प्रमोद, पूरा हीराराम, ये पूरा पूरा मतलब बिलाड़ा देख लिया। भागरणी परिवार, भागरणी परिवार, सीरी परिवार।